another Danamaji episode has unfolded, this time in one of the states bordering Odisha. These painful visuals from Surguja area in Chhattisgarh depict the plight of a man, Ishwar Das, who is shouldering body of his dead daughter, Surekha. As per reports, Ishwar took his daughter to the hospital for high fever treatment. However, after receiving preliminary treatment at the hospital, the girl's pulse and blood pressure dipped suddenly and she passed away. The father of the girl was overcome with intense grief. Not knowing what to do, he carried his daughter's body on his shoulders instead of waiting for an ambulance or a hearse vehicle. बच्चे का पल्स बीपी सब चीज डाउन हो गया और वो मृत हो गई, जिसको 37 में मैंने मृत घोषित किया गया। और उसके बाद परिजनों को समझाया गया कि मृतिका को ले जाने के लिए हमने 1099 पे सब वाहन पे कॉल कर देंगे, अभी आप यहाँ पर रुकिए। लेकिन उनके द्वारा में कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, चूँकि उनकी पुत्री का देहांत हुआ था तो रोने गाने में उन लोग ध्यान में थे। फिर हमारे यहाँ स्टाफ नर्स ड्यूटी स्टाफ नर्स किरण के द्वारा 8:14 पे कॉल किया गया एक बार फिर से, और 9:20 में सब वाहन आ गई थी। तब तक रितिका को लेकर के उनके परिजन जा चुके थे यहाँ से अस्पताल पर। तो उस नाते ये ऐसा लगता है कि समझाने की उतनी कोशिश नहीं की गई जितनी की जा सकती थी इन परिस्थितियों में। और जहाँ CMO को मैंने बोल दिया है, CMHO साहब को, कि वो जांच करें और कमी पाई जाती है और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो BMO है उनको बदलना चाहिए। शव वाहन की व्यवस्था 7-5 हैं जिले में, 3 मेडिकल कॉलेज में रुकी रहती हैं, एक उदयपुर में है, एक अन्यत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, OTV न्यूज़।